हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ दुर्गा पूजा का डेकोरेशन। वैसे ये डेकोरेशन आप कभी किसी भी पूजा में कर सकते हैं। आज मैं आप सब लोग को बताने जा रही हूँ कि हम घर की चीज़ों से अपने मंदिर को कैसे खूबसूरत ढंग से सजा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से था मेरा पहले मंदिर। इसको मैंने एक दिन पहले ही साफ कर लिया था मंदिर को, और नीचे काफ़ी सारे सामान पड़े हुए हैं। पहले मैं इसको खाली करूँगी। ये सामान सब मैंने हटा दिया है वहाँ से। अब मैं इसको पहले मैंने साफ़ कर लिया था, बस थोड़ा थोड़ा मैं इसको गीले कपड़े से साफ़ कर ले रही हूँ। ये नीचे बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं। ये बेकार सामान नहीं है, सही सामान है, बट ऐसे रखा हुआ है कि ये बेकार सामान लग रहे हैं। एक्चुअली ये है सब पूजा में कभी कभी स्पेशल पूजा में यूज़ होने वाले चीज़ें, जैसे कि माता की ये चौकी है, ये कुछ बुक्स हैं। तो अभी मैंने सब खाली कर लिया है। अब मैं धीरे धीरे इसमें सामान रखूँगी जो मैं निकालना है साफ कर करके। ये कान्हा जी का झूला है, आपने जन्माष्टमी वाले ब्लॉग में इसे देखा होगा। ये चौकी है, ये वेलवेट के कपड़े से बना हुआ है तो जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको प्लास्टिक के पॉलिथीन में कवर करके रखा है। ये सारे डब्बे में पूजा के ही सामान हैं जो कि कभी कभी यूज़ होते हैं। ये मेरे पास दो कपड़े थे जिसको मैंने एज अ कर्टन यूज़ किया है। इस डेकोरेशन के लिए मैंने पिंक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन चूज़ किया है। ये दुपट्टा है नेट का, वाइट कलर का। तो अभी मैं इसी से डेकोरेट करूँगी। ये मैंने फिक्स कर दिया है। एक ऐसे नॉट दूंगी बराबर बराबर। ये रबर बैंड है और जिसकी हेल्प से मैंने नॉट दिया हुआ है, और इसी से मैं इसको डेकोरेट करूंगी। पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये कुछ इस तरह से दिखने लगा लगाने के बाद। आप सब भी अपने घरों पे जीरो बजट में ये अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं स्पेशल ओकेजन पे। ये मेरे पास कुछ डेकोरेटिव आइटम्स थे तो मैंने इसको भी यहाँ पे लगा दिया है, इसकी वजह से ये और भी ब्यूटीफुल दिखने लगा।
ऐसे ही वीडियोस लाती हूँ जो जिसमें हमारे ज़्यादा पैसे ना लगे और हम कम से कम पैसे में अपना घर डेकोरेट कर पाएँ। दोस्तों आप सब मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो प्लीज़ पे लाइक को दबाना न भूलें। ये लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा बट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो। इससे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ये मैंने इसमें लाइट्स लगा दी थी इसलिए ये और भी सुंदर दिखने लगा। ये वीडियो मैंने रात में ली थी इसलिए थोड़ा ऐसा है बट ये रियल में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे और अच्छा लगेगा और मैं और भी मेहनत करूँगी। ये देखिए आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो प्लीज़। थैंक यू।